नमस्कार दोस्तों, आप लोगों की अक्सर शिकायत रहती है कि मैं एक्टिव नहीं रहता हूँ एफटी के लिए वीडियो लाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी इसकी जो प्रॉब्लम है वो है आप लोग ही, क्योंकि आप लोगों को मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि आप लोग एफटीए को मेल कीजिए और एफटीए का जो कट ऑफ है इस साल का उसके बारे में क्वेश्चन कीजिए कि भाई एफटीए का जो कट ऑफ है इस बार कर रिलीज करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि आप लोगों ने प्रॉमिस किया था एग्जाम टाइम पे, क्योंकि गड़बड़ हुई थी, थोड़ी सी मार्किंग में हमें प्रॉब्लम हो रही थी। आप सभी को पता है कि जब पेपर वन का जो पार्ट ए का जो रिजल्ट आया था उसमें प्रॉब्लम हुई थी हमें कि इतने मार्क्स हमने जोड़े थे लेकिन ऑब्जेक्टिव में इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो आप लोगों ने मेल क्यों नहीं किया। भाई आप सभी से भाई निवेदन है कि आप लोग मेल कीजिए एफटीआई को। अगर देखिए पिछला वीडियो 210 लोगों ने देखा, अगर 10 लोग भी मेल करते ना तो आराम से एफटीए कोई ना कोई रिप्लाई ज़रूर देता, और वहाँ का जो सिस्टम है ना रिप्लाई ज़रूर देता है चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप भाई मेल कीजिए, फिर से मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जो मेल है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सबसे ऊपर आपको मेल मिल जाएगा। उस मेल पे ये एफटीए के बहुत सारे कॉन्टैक्ट, आप एफटीए की वेबसाइट पे जाओगे ना तो वहाँ पर बहुत सारे कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे। आप कॉल कीजिए, मेल कीजिए उनको। भाई 200 लगभग 200-250 लोग वीडियो देखते हैं ये वाला, तो अगर आप 50 लोग भी अगर आप कर दोगे ना, 50 के 20-25 लोग भी अगर ऐसा काम करते हैं तो एफटीए कोई ना कोई रिप्लाई ज़रूर देगा और इस पे एक्शन लेगा और एफटीए जो है कट ऑफ रिलीज जरूर करेगा। तो भाई आप सभी से निवेदन है कि भाई इसका थोड़ा सा भाई प्रयास कीजिए, तो आप सभी से भाई यही निवेदन है। उसके अलावा एक चीज़ और है कि ये जो मेरिट लिस्ट का जो फंडा है, इस बार का जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें भाई सीट तो भाई हर स्ट्रीम में 10 या 12 सीट है, किसी में 10 है, किसी में 12 है, किसी में 11 है। तो इन लोगों ने नाम तो बहुत सारे दिए, तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन यही थे कि शॉर्ट लिस्ट कैसे करेंगे, फाइनल 12 या फाइनल 10। तो भाई उसमें क्या होता है कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे शायद, इस तरह से चीज़ें होती है वहाँ पर, जैसे कि कई लोग फीस नहीं दे पाते, कई लोग वेटिंग लिस्ट में हैं तो ऐसे करके बाहर हो जाते हैं, बाकी जो टॉप 12 है या टॉप 10 है वही बच पाते हैं, जो सीट वहाँ पर उनकी फिक्स हो जाती है। तो अगर आप किसी को पता है कि सीट एलोकेशन का और अगर कोई फंडा है इस कोई दूसरी तरह का तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हो। बाकी भाई वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एफटीए को मेल जरूर करो भाई लोग। धन्यवाद।